किसान भाइयों नमस्कार। ये हमारी फूल गोभी है जो हमने बैठाया था और अब इस तरह से ये हो चुकी है। आप लोगों ने पिछली बार वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने इसकी नर्सरी तैयार की और नर्सरी तैयार करने के बाद किस तरह से खेत की तैयारी की गई और खेत की तैयारी करने के बाद रोपाई, मेड़बंदी और रोपाई के लिए जो है रेखाएं कैसे खींची गई हैं। अब हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई। पौधे लगाने के बाद इस तरह से हमने पानी दिया था लगभग 8 से 10 दिन के बाद जब पौधे खड़े हो गए थे। यह एक सांकेतिक वीडियो है, ये दूसरे खेत की वीडियो है, ये उस खेत की वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो इसी तरह से हमने पानी लगाया था और इस तरह पानी लगाने के फिर 1 हफ्ते 8 दिन 9 दिन बाद लगभग फिर हमने इसी तरह से पानी लगाया। अब इस तरह से पानी इसलिए लगाया जाता है, इसे बोलते हैं हाथा मारना। हाथा मार करके पानी लगाया जाता है, इससे जो ऊपरी सतह होती है ये भीग जाती है और मिट्टी जाम नहीं होने पाती है, जिससे इसकी जड़ों का विकास होता रहता है। तो इस वजह से इस तरह से हम सब इसको पानी देते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पानी देने के लिए ही, हाथा मारने के लिए, जो हमने पतली और लंबी क्यारियाँ बनाई थी जिससे पानी आसानी से दिया जा सके। अब उसके बाद देखिए ये गुड़ाई किस तरह से करना है हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए हमारा पौधा इतना बड़ा हो चुका है और इसमें हम ऐसे इस तरह से गुड़ाई करेंगे कि पौधा हमारा उखड़ने ना पाए। पौधे के पास हल्का सा छोड़ देंगे और बाकी जगहों की गुड़ाई कर दी जाएगी और ये गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी गोभी का विकास सही नहीं होता है और जब आपकी गोभी का विकास नहीं होगा तो आपका उत्पादन बहुत कम होता है और जो उत्पादन होता भी है उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है। तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करवाएं, एक बार तो ज़रूर ही कीजिए। अब आपकी ये गुड़ाई हो जाती है, गुड़ाई करने के बाद थोड़े दिन के लिए ऐसे छोड़ देना चाहिए, हल्का मतलब आप समझ लीजिए कि 3 या 4 दिन, और उसके बाद इसमें हल्का पानी लगाते हैं। पानी लगाने के पहले आपको जो खाद वगैरह डालनी है आप उसको डाल दीजिए। सामान्यतया हम जो डाले हैं प्रति एकड़ 50 किलो के हिसाब से एनपीके हमने डाल दिया है और कोई भी स्प्रे इस पे नहीं किया गया है। हाँ, कुछ रोग लगे थे उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कौन सी दवा रहेगी, क्या कैसे रहेगा। इसमें सिर्फ फंगिसाइड का अटैक आया हुआ था और कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद ये हमारी गोभी हो जाती है तैयार और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, बहुत ही हल्की नमी बना के आपको रखना होगा, आप कभी भी भारी सिंचाई मत कीजिएगा। अब हम आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये पत्ता गोभी और फूल गोभी में एक ही तरह से अपनाई जाती है, एक ही तरीका होता है और इसकी एक संपूर्ण वीडियो हम बना दिए हैं जिसपे सारी चीज़ें हम आपको समझा दिए हैं। आप उस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। तो देखिए ये सब प्रक्रियाओं को करने के बाद हमारी गोभी इस तरह से आ गई है और अब इसका उत्पादन हो रहा है। मार्केट में कब क्या कितना उत्पादन होगा गोभी का, हम इसको ध्यान में रखते हुए इसकी रोपाई किए थे और इसका पूरा जो प्रबंधन होता है उसी हिसाब से किया गया था और सब कुछ सही जा रहा था। पहले दिन हमारी गोभी कटी और उस दिन थोक रेट था 12 रुपया प्रति किलो, लेकिन उसके दूसरे ही दिन रेट घट करके 4 रुपये प्रति किलो आ गया। कारण यह है कि 1-2 दिन पहले हुई भारी बारिश की वजह से जो गोभी का उत्पादन होता है ये बढ़ गया अचानक। एक चीज़ आप यहाँ आपको बता दें कि जब आपकी गोभी तैयार हो जाए, फूल आने लगे, उस समय आपको सिंचाई नहीं करनी है, ना ही कोई खाद डालनी है। अब कारण ये है कि जैसे अगर आप सिंचाई मान लीजिए कर दिए और सिंचाई करने के बाद इसका जो फूल होता है ये बहुत तेज़ी से आने लगता है। अभी अगर रेट जो है आपका मार्केट में बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि रेट गिर जाएगा तो आप उस समय सिंचाई कर दीजिए और आप टॉनिक का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस वजह से जैसे आपका मान लीजिए 10 रुपये किलो या 15 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है तो उस समय सिंचाई कर दीजिए, जिससे आपका जो उत्पादन होगा ये अचानक बढ़ जाएगा, आप जल्दी से उसको अच्छे दामों में बेच लेंगे। लेकिन अगर आपका रेट डाउन चल रहा है तो आप सिंचाई कभी भी मत करें, क्योंकि अचानक ही जो उत्पादन जो बढ़ जाएगा इसकी वजह से आपको घाटा उठाना पड़ेगा।
तो इस वजह से जो भारी बारिश हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप हमारे क्षेत्र के सभी किसानों का उत्पादन बढ़ गया, और जब सभी का उत्पादन बढ़ गया तो ये इसका रेट जो है काफ़ी गिर गया, 4 रुपये किलो आ गया। इस वजह से हमें इसमें अब जो है घाटा उठाना पड़ रहा है। घाटा क्या उठाना पड़ रहा है, मतलब ये है कि जो हम पैसा लगाए हैं उससे ज़्यादा ही बचत हमको हो जाएगी, लेकिन वही है कि कहाँ 12 रुपये किलो हमें मिलता थोक रेट में, अब कहाँ 4 रुपये मिल रहा है, मतलब जो हमारी बचत है ये बहुत ही अब कम हो जाएगी। तो हमारी गोभी का उत्पादन की क्वालिटी क्या है, जो जो हम फूल काट रहे हैं उसको आपको दिखा दे रहे हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरह का फूल इसमें निकल रहा है। इसका जो वज़न आ रहा है ये 1 किलो से ज़्यादा ऊपर है, 1.5 किलो 2 किलो, 1.5 किलो 2 किलो के फूल ज़्यादा हैं और 1 किलो के कम ही फूल हैं। अब हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो है दो प्रकार की फूल गोभी का चुनाव किए थे, एक पत्ता गोभी का चुनाव किए थे, जिसमें एक प्रजाति थी माधुरी। माधुरी बहुत ही बढ़िया हमारा रिजल्ट दी है, लेकिन जो शकुंतला की माधवी हम लगाए थे, माधवी में वायरस अटैक ज़्यादा आया है, तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि शकुंतला की माधवी मत लीजिए, क्योंकि उसका रिजल्ट सही नहीं मिला हमें। और जो पत्ता गोभी हमने लगाया था माही क्रांति का, ये बहुत ही बढ़िया सीड है, तो अब हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप माधुरी लगाइए, और अगर पत्ता गोभी में लगाना है आपको तो आप माही क्रांति लगा सकते हैं। तो ये रही हमारी पूरी वीडियो, आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे किया गया है। तो अभी हम चलते हैं। हाँ, जाने से पहले आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर कृषि से संबंधित सभी चीज़ें आती रहती हैं, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते हैं, जय जवान जय किसान।